इंसान की घर घर की याद है की इधर से स्टार्ट करिए। ये हमारा फर्स्ट पेंट हाउस है, मेरे बालों में मच जाएगा, मेरे हालत में मच जाएगा क्योंकि हम सुबह से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। लेकिन स्टॉप, ये पेंट हाउस हमारा नंबर वन है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड पेंट हाउस एज वेल है जो कि हम आपको लेटर ऑन दिखाएंगे। सो स्टार्ट होता है यहाँ से और हम सबसे पहले जाएंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम से पहले आता है एक वॉशरूम और दूसरा यहाँ पे एक और रूम आता है जिसमें भी अली भाई कपड़े चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यह है जी मास्टर बेडरूम जिसमें वॉशरूम भी है और मास्टर बेड भी है। आपका शॉर्ट हाउस है, चलो हमारा शॉर्ट हाउस भाई। हेलो मैनेजमेंट, हम फ्लैट ऑफिस देंगे। अच्छा ये रूम नंबर है जी 2 जो कि अली भाई ने चूज कर लिया। नहीं मैंने चूज नहीं किया, वो उसने मेन रूम उसने ले लिया है, मेरे पास मजबूर। अच्छा जी इनका बैग भी ठीक है। अगर आप बंद करते हैं, आपने छलांग लगानी हो ना वो विंडो है। जल्दी से आ जाओ। ये है जी इसका मेन हॉल जिसे हम सिटिंग रूम कहेंगे। सिटिंग रूम में ऊपर लाइट्स बहुत प्यारी लगी हुई है और बिल्कुल जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। पर मेरा ये है, ये मेरा है, तेरा रूम बात दिखाएंगे। अच्छा ये छोटी सी बेल्कनी बनी जिसमें थोड़ा सा आर्ट रखा हुआ है और ये भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हम आगे चलेंगे किचन जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको यूज नहीं करना। फ्रिज ने बहुत बड़ी दे दी है, किसी को भी खाना बनाना नहीं आता, किसी ने भी नहीं खाना, खाना हमने बाहर से खाना है। वैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि हमने यूज नहीं करना। माइक्रोवेव भी है और ओवन भी है, ओवन भी है और माइक्रोवेव भी है, बाहर चलते हैं। तो ये है जी हॉल जिसमें आप बैठ के चिल कर सकते हैं। इधर बहुत खूबसूरत इन लोगों ने आर्ट लगाया हुआ है, साथ में एसी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी गर्मी ठीक है। बाहर चलते हैं, बाहर आपको दिखाते हैं। ये है जी चिल करने के लिए, सन बाथ लेने के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम वैसे ही माशाल्लाह काले हैं। ठीक है, एक सर्कल लगवा किया और अंदर वापिस चलते हैं। ये कैक्टस क्यों लगे हुए हैं? इधर क्या है हमें नहीं पता, खोल के देखना चाहते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ भी नहीं। तो जी ये हमारा पेंट हाउस नंबर 1। इसके अलावा हमारे पास एक और फ्लैट है जिसमें 3 बंदे हम लोग सो रहे हैं, जिसमें मैं सो रहा हूँ, इसमें आफ्ताब सो रहा है। आफ्ताब लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को मैनेजमेंट में थे, इन लोगों ने अपने लिए अच्छा वाला कराया और हमें नॉर्मल करा के दिया क्योंकि हमारा इवन भी नहीं है, बट वी पेड फॉर पेंट हाउस। लिसन, हाँ मेरा रूम देख लो, ना बारियां ना दरवाजे हैं उसके। हाँ लेकिन तेरा आर आर से चालू करता है, यहां से ध्यान से आना क्योंकि सीढ़ियों से पता स्लिप भी हो सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन ये रूम ठीक ठाक साइज का है और ये मेरा खुला डुला रूम है, खुला डुला रूम है। जब सोने मेरा ख्याल है सोना ही पड़ेगा और यहां से अगर आपका दिल कर तो छलांग मार सकता है। अगर छलांग मारे तो 20 पाउंड दूं? नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं रहने दे। ऊपर से फ्लैट का इंतजाम आप याद रख रहे हैं। सो ये था जी हाउस टूर। होपफुली आपको हमारा फर्स्ट पेंट हाउस अच्छा लगा जिसमें हमने इन लोगों ने रहे 7 रातों के लिए और मैंने रुकना है 4 रात। एसी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, हाय। सो अब चिल करते हैं और अब इसके बाद आपको दिखाएंगे हम दूसरा वाला पेंट हाउस।